तो गाइस आज हम लोग फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं आप सभी का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट रॉब्लॉक्स जेलब्रेक। जेलब्रेक में धूम बचाने के लिए आज हम लोग आ गए हैं और हम खेल रहे हैं एज ए प्रिजनर। तो अभी मौका है जेल से भागने का, टनल के नीचे से, और ये सामने वाले सीढ़ी से हम निकलेंगे और तारों के नीचे से एक और भी भाग रहा है हमारे साथ। तो हम तो ये तो निकल गए हैं, पीछे कोई पुलिस तो नहीं आ रहा है ये तो पहले देख लूँ मैं। और सामने रखा है गाड़ी, इसके पास तो मस्त बाइक है यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो ये खटारा गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। इसका स्पीड भी बहुत मस्त होता है। तभी जल्दी से फटाफट चलते हैं, कहाँ चलेंगे, हाँ अभी जाएंगे हम प्लेन को लूटने। सही में चलो, प्लेन होता है मैप के एकदम साइड में, मतलब आखिरी छोर में ये प्लेन होता है, प्लेन आता है जिसको हम अभी लूटेंगे और देखेंगे हमको कितना मिलता है। तो फटाफट से चलेंगे हम यहाँ पे प्लेन को हाईजैक करने। और ये पर हम आ गए हैं, अभी तो प्लेन नहीं दिख रहा है, प्लेन थोड़ी देर में आने वाला है। तो ये मैप भी अभी प्लेन नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर ऊपर हम वेट कर लेते हैं ताकि हमको पुलिस ना पकड़ ले इधर आके, तो यहाँ सेफ होता है। तो ये प्लेन भी आ गया है, ये प्लेन इधर से घूम के यहाँ पर लैंड करेगा और हम प्लेन में चढ़ जाएंगे। तो ये आ गया हमारा प्लेन और रात भी हो चुका है और प्लेन भी आ रहा है सामने से, और कोई बंदा तो दिख नहीं रहा है, नहीं तो मज़ा आ जाता। एक से भले दो से भले तीन, पर कोई नहीं, हम अकेले ही काफ़ी है। चलो प्लेन को भी हाईजैक करते हैं, प्लेन को लैंड होने दो, प्लेन बहुत तेज़ी से आ रहा है नीचे। चलो प्लेन में घुसते हैं अभी फटाफट से, प्लेन का नीचे का दरवाज़ा खुलेगा अभी। थोड़ा सा आगे निकल गया प्लेन, पर कोई नहीं, चलो ये अभी रुकेगा और ये बस रुक गया है अभी, इसका पीछे का दरवाज़ा खुलेगा अभी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये 3 2 1 ये खुल गया, चलो फटाफट अंदर चलते हैं। इसके अंदर अभी कोई भी क्रेट नहीं है, पर धीरे धीरे ये क्रेट भी आ जाएंगे। अभी ये डोर ओपन ही है, इसको और ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो क्रेट आ रहे हैं एक एक करके। अभी ये दरवाज़ा बंद होगा और प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा, ये दरवाज़ा बंद होने ही वाला है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी बार प्लेन लूटने को बोल रहा है, पर अभी तो ये प्लेन का दरवाज़ा बंद हो चुका है और ये टेक ऑफ होने ही वाला है। टेक ऑफ भी होने लगा, ये धीरे धीरे टेक ऑफ होगा। और अभी हम इस क्रेट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते जब तक ये ब्रिज क्रॉस नहीं होगा, तो अभी हम कर सकते हैं इंस्पेक्ट इस क्रेट को। चलो फटाफट क्रेट को इंस्पेक्ट करते और प्लेन से उतरते। थोड़ा सा टाइम लगा पर हो जाएगा, बस होने ही वाला है, ये हो गया है। हम फटाफट से अभी दरवाज़ा खोलते हैं और नीचे उतरते पैराशूट से। दरवाज़ा ओपन और ये खुल गया है, और नीचे चलते हैं पैराशूट ओपन करते हैं और हम देखते हैं पावर प्लांट किधर है, क्योंकि पावर प्लांट के पास ही हमारा होता है पोर्ट, और पोर्ट में इस क्रेट को ड्रॉप करना है और हमको मिल जाएंगे कैश। तो फटाफट नीचे उतरेंगे, हमारा गाड़ी स्पॉन करेंगे और चल देंगे पोर्ट की तरफ। ये गाड़ी हमारा स्पॉन हो गया है और सामने दिख रहा है पावर प्लांट, कोई पुलिस तो हमारा पीछा तो अभी नहीं कर रहा है। सामने जो क्रेट दिख रहे हैं वहाँ पर हमको ये क्रेट ड्रॉप करना है और हमको मिल जाएंगे कैश $4,000। तो बस ये तो कलेक्ट हो गया है, अभी हमको जाना है पावर प्लांट, सामने ही है ये, अभी लूट सकते हैं, पावर प्लांट ओपन है और कोई बंदा भी नहीं है। चलो एक बंदा आया है, बढ़िया, चलो ये कंप्यूटर का हैक नहीं कर पा रहे, इसको फटाफट से हैक करते हैं। तीन को तीन के साथ मिलाना होता है और ये पाँच को तो नहीं मिलेगा, चार को इधर से मिलाते हैं, यहीं से इधर तक मिला देते हैं, और ज़ीरो को मिलाना पड़ता है, ये बहुत आसान है, ज़ीरो को इधर से लेके इधर, ये हो गया हैक और पार्टमेंट हो गया ओपन। अभी सामने कॉन्वर वेल्ड है और लेज़र भी है, ये बहुत फास्ट रहता है, इससे बचना होता है। ये जंप करके हम जाएंगे और लेफ्ट तरफ एक और कंप्यूटर है जिसको हम हैक करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बड़ा है, मुश्किल नहीं है बड़ा है। ज़ीरो को ज़ीरो से मिलेंगे और चार तो किसी के साथ मिलेगा नहीं, अभी छः को इधर से राउंड कर देंगे और एक को इधर से लेके इधर से इधर, और तीन को कैसे मिला है, हम तो दो को हटाना पड़ेगा, बीच के जो दो है इसको हटा देते हैं और तीन को इधर से लंबा खींच देते हैं और दो को इधर से मिला देते हैं। तो ये कंप्यूटर तो हैक हो चुका है, पर हमको एक वैल्यू मिला है जिसको हमको जल्दी से वोल्केनो तक पहुंचाना है और इन सब से बच के नीचे झुकना पड़ेगा और ये से भी बचना पड़ेगा। और इधर सामने से निकल जाए हम पावर प्लांट से, और ये जो मार्क दिखा रहा है ये वोल्केनो की तरफ दिखा रहा है, जितने जल्दी हो सके हमको वोल्केनो तक पहुंचना है, नहीं तो हम ये कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी गाड़ी घुमाते हैं और चलते हैं वोल्केनो की तरफ जहाँ पे होता है हमारा चोरों की अड्डा, वहाँ पे सेल करेंगे, हमको कैश मिल जाएंगे, नहीं तो ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है, जितनी देर करेंगे हम ये बहुत जल्द डिसअपीयर हो जाए। फटाफट से गेट हटाओ यार, सामने से कोई बंदा आ रहा है, और गाड़ी से टकराते टकराते बचे हम और इस गाड़ी से टकरा गए और पीछे जाके पूरा गाड़ी पलटने ही वाला है, इसके लिए टाइम नहीं है अभी।
अभी हमको राइट में मोड़ लेना है, वो भी पीछे चला गया था टक्कर आगे, तो सामने से लेफ्ट लेंगे, जितना शॉर्टकट हो सके हम ले लेते हैं। अभी टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी वॉल्कन में पहुंचना है, और बस पलटना मत, पुलिस आ गया, बस काम तमाम। सीट यार मेरे पास कोई गन भी नहीं है, अगर गाड़ी ना पलटा होता ना तो इसको दिखाता मैं। बस अभी तो अरेस्ट होना पड़ेगा, अभी फटाफट से जेल जाएंगे और जेल से भाग के वापस आएंगे लूटने के लिए, देखते क्या करते ये लोग। तो ये लोग फिर से आ गए हम, और सामने दिख रहा है पेट्रोल पंप, इसको ही लूट लेते हैं पहले, थोड़ा बहुत तो लूट तो मिल जाएगा ना। गाड़ी रोकते, इधर निकालो जो भी माल है निकालो इधर फटाफट। मेरे पास कोई सुपर कार तो नहीं है, यहाँ पे एक लॉजिक चलता है, जो जितना फास्ट भाग सकता है वो उतना ज़्यादा कैश अर्न कर सकता है। मतलब जहाँ पे भी लूटो फटाफट से पहुँचो अपने अड्डे तक, कैश निकालो, हो जाएगा काम, कोई पुलिस भी नहीं आपको पकड़ पाएगा। अभी तो मुझे सामने एक ट्रेन दिख रहा है, चलो फटाफट से इसको पीछा करते हैं, ट्रेन में बहुत सारा लूट होता है, तो जल्दी से पहुँचेंगे इसके पास। अरे नहीं नहीं नहीं, टक्कर नहीं मारना, टक्कर मारने से पीछे चले जाते हैं हम, पर इसको तो पकड़ना है ही। ये गाड़ी पलटते पलटते बचा मेरा, ये ट्रैक से ही भागेंगे राइट साइड में, स्लो मत हो जाना, बस स्लो मत हो जाना, ये ट्रैक में जाएंगे फिर से। ये ट्रेन तो बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, इसको तो पकड़ना ही है, सामने पकड़ लेंगे, सामने ये रुकने वाला है, सामने पकड़ लेंगे, सामने एक स्टेशन भी है, सामने पकड़ लेंगे। इसको राइट साइड से जाने की मैं कोशिश कर रहा था, पर ये फिर से टक्कर लग के मैं पीछे आ गया। एक और टनल है, टनल के पास जो स्टेशन है उसमें ये रुकेगा तो अच्छा होगा। ये रुका 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 रुका, गाड़ी को साइड में रखते हैं और चढ़ते हैं इसमें फटाफट, और सामने जो मिलता है उसको ले लेते हैं। ये फ़ोन ले लो, और सामने ब्रीफकेस भी ले लो, कंप्यूटर ले लो, बहुत सारे कंप्यूटर है, और बैग मेरा लेवल 3 का है, मतलब थोड़ा बहुत तो लूट ज़्यादा मिलेगा, मैंने थोड़ा रोबोक्स खर्च किया है इसके लिए। और सामने और क्या क्या चीज़ है, देखो कंप्यूटर है, जो सामने मिल जाए ले लो, बस ये बैग मेरा फुल हो चुका है। अभी लेवल 3 का कर लेते हैं, 100 रोबोक्स लगेगा, ये हो गया लेवल 3 का, और थोड़ा लूट सकते हैं हम। सामने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, डॉक्यूमेंट है, फ़ोन है, इसको भी ले लेते हैं, और ये भी फुल हो गया है। अभी चलो फटाफट से ट्रेन से उतरते हैं, और हमको कैश को पहुँचाना है वॉल्कन। तो गाड़ी तो मैं पीछे छोड़ के आया है, अभी हम यहाँ पे गाड़ी स्पॉन करेंगे और निकलेंगे हमारे अड्डे की तरफ, तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो पिछली बार की तरह हम फिर से पकड़े जाएंगे। अभी तो मैं कोई गलती नहीं करने वाला, जल्दी से जाएंगे वॉल्कनों में और इसको हम कलेक्टर के पास ले जाएंगे। लगभग 7 महीने के बाद मैं ये गेम खेल रहा हूँ, ये जगह पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कलेक्टर तो वही है, पर ये जगह को थोड़ी मॉडिफाई कर दिया गया है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पर ये हो गया हमारा कैश कलेक्ट, अभी हम जाएंगे दूसरी जगह लूट मचाने के लिए। वो नहीं 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 नहीं, सामने पुलिस है, ट्रैक्टर से ले लेता है, पर नहीं ये तो गाड़ी को रोक लिया इन्होंने, इससे उतरते हैं और फटाफट ऊपर चलते हैं। ये गोली मारा, ये तो मार ही देगा, तुम्हारे हाथ थोड़ी ना आने वाला हूँ मैं। ये जंप कर रहा है मुझे पकड़ने के लिए, ये फायर भी कर रहा है पर लग नहीं रहा मुझे। ये भी आ रहा है ऊपर, आ जा देखते तेरे को, पैराशूट से नीचे उतरूँगा। और यहाँ से एक नहीं दो नहीं तीन दिन है, ये भी नीचे उतर गया। गाड़ी लेकर फटाफट से भागने की कोशिश करते हैं। क्या यार, एक बंदे को पकड़ने के लिए 3 दिन पुलिस, मतलब सच में एक बंदा तो कांस्टेंट फायर कर जा रहा है। देखो लो मिल गई तसल्ली, पर मैं कहाँ रुकने वाला हूँ, ये सामने एक ट्रेन आ रहा है, इसको पकड़ते हैं। आ जाओ, कौन पकड़ने आ रहे हो मुझे, आ जाओ, पहले तो इसके ऊपर चढ़ते हैं, इधर से नहीं नीचे उतरना पड़ेगा, फिर से इधर से चढ़ेंगे, और पीछे एक डब्बा है उसमें, वो लाल वाले डब्बे में जाएंगे और इसमें मचाएंगे लूट। इसका डोर ओपन करते हैं, नीचे जाएंगे, इसका वॉल्ट तोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये टूट जाएगा। ये देखो मेरा सर ट्रेन के नीचे चला गया और मैं पूरा उल्टा हो गया। इसके अंदर चलते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं, जब तक ये कलेक्ट होता है पूरा तब तक मैं ऊपर भी देख लेता हूँ, ताकि कोई पुलिस ना आ पाए। अगर आ भी जाए तो भागने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, भाग तो एक बार भी नहीं पाए पर कोशिश तो अब ज़रूर करेंगे। और ये फिल होने ही वाला है, मतलब 2.917 तक ये जाएगा, बस ये रुक जाएगा, इतना ही कैपेसिटी है मेरा। अभी बस जल्दी से फटाफट ये फिल हो जाए, हम उतरे और ये कैश मेरा कलेक्ट हो जाए। तो ये होने ही वाला है लेवल 3 ख़त्म, तो ये कलेक्ट हो गया है मेरा। अभी हम नीचे उतरेंगे फटाफट से और ये कैश मेरा कलेक्ट हो जाए। उतरी, सामने एक पुलिस भी खड़ा है पेट्रोल पंप में, पर ये शायद AFK होगा, कोई नहीं, चलो हम अभी लूटेंगे म्यूज़ियम को। म्यूज़ियम में कोई आया नहीं है, और ये म्यूज़ियम लूटने कोई आता नहीं है, पता नहीं क्यों
अभी ये म्यूज़ियम लूटना लोग बंद ही कर चुके हैं। मैं जब भी आता हूँ ये खाली पड़ा रहता है। बहुत कम आते हैं लोग, आते हैं पर बहुत कम आता है म्यूज़ियम में लोग। पता नहीं क्या हो गया है इसमें, तो इसके ऊपर चलते हैं, कोई आता है तो इसको लूटेंगे। आई होप कोई ना कोई तो आ जाए, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो इसको दबा देते हैं, एक इसको भी दबा देते हैं, ये टूटेगा नहीं, एक और प्लेयर चाहिए। तो थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा दिन भी हो चुका है और एक और बंदा आया है। बंदा है ये बंदी है पता नहीं है, मेरे तो लूटने से मतलब है। तो ये टूट गया है, नीचे चलते हैं फटाफट। पहले तो ये डायनासोर को लूटेंगे हम, फिर देखते हैं। अरे ये इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था ना, ये हर बार ये डायनासोर को लूटते हम चले जाते हैं। कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहिए इन लोगों को, तभी तो मज़ा आएगा ना। और इसको हम ले लेते हैं जितना हो सके। 9 kg का बैग हमारा फुल हो जाएगा अभी, ये 6 kg भी फुल हो गया है, 7। और इसको ले लेंगे तो 8, 9, ये 8, एक और kg। तो ये हो गया मेरा बैग फुल, अभी निकलने की बंदोबस्त करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा हिल चला गया है मेरा, कोई नहीं। इसको हम घुमा के नीचे कर देते हैं, ये सारे रेड हो जाएंगे। इसको इधर और इसको कर देते हैं इधर। अरे नहीं, थोड़ा ज़्यादा घूम गया, इसको फिर से घुमा के इधर लाना पड़ेगा। चल हो गया है, अभी ये राइट साइड का दरवाज़ा भी खुल गया है और मेन गेट भी खुल गया है। अभी मेरा गाड़ी इधर ही खड़ा था, इसको लेकर फटाफट से चलते हैं वॉल्केनो में, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। जल्दी से जितना जल्दी हो सके हम वॉल्केनो में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इधर से एक शॉर्टकट है, इधर से नीचे निकल जाएंगे हम। इसके बाद हम टॉम को लूटने की कोशिश करेंगे। हर बार कोई ना कोई आ जाता है, मतलब दो बंदे होते तो तीन बंदे होते नहीं है, तीन बंदे होते तो पुलिस आ जाते, मतलब हर बार ऐसे होते। अभी हम टॉम को लूटने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलो हम आ गए टॉम की तरफ, और इसको लूटने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी तो कोई भी नहीं है, पहले तो यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, कोई आता है तो बहुत बढ़िया। तीनों बंदे को इधर खड़ा होता है, फिर ये घूम के ये दरवाज़ा खुलता है। एक बंदा तो आया है, बढ़िया। तो चलो दो तो हो गए, एक और आना चाहिए, तीन भी आ गए, नहीं ये पुलिस आ गया, पुलिस। मैं तो इधर गाड़ी लेकर भागता हूँ। यार मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो तुम लोग, देखो मेरे पीछे आ गया। पर कोई नहीं, मेरा दोस्त है इधर, पुलिस को देख ले गई है। मैं हर बार यार गन लेने भूल जाता हूँ, इसलिए तो ऐसा होता है। इस बंदे ने तो पुलिस को मार दिया, बहुत बढ़िया। अभी हम लूटेंगे टॉम को। हम दो हो गए और तीसरे बंदे की आने की इंतज़ार कर रहे हैं, पर कोई आया नहीं अभी तक। शायद ये पुलिस आ गई, ये पुलिस है, ये शायद पुलिस ही होगा या फिर ये बंदा होगा। भाई जो भी है जल्दी आ जाओ, हर बार ऐसा ही होता है। हम लोग दो होते हैं, तीसरा बंदा आता नहीं है, तीसरा बंदा होता तो पुलिस आ जाता है, मतलब क्या बताए। देखो कोई नहीं आ रहा है। ये गेम 3-4 बंदों के साथ अगर खेल रहे हो ना तो आप किंग हो, आपको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, आप तो लूट के राजा बन जाओगे। और ये देखो पुलिस आ गया और हम दोनों फिर से अरेस्ट हो गए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोब्लॉक्स गेम के साथ या फिर माइनक्राफ्ट के साथ।